अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग जानेंगे कि नू मीम राशिद कौन थे। तो नू मीम राशिद, राशिद का नाम नज़ीर मोहम्मद था, इसलिए इन्हें नू मीम राशिद कहते हैं। वो गजरानवाला के रहने वाले थे। अपनी जवानी के दौर में वो कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से भी मुतासिर रहे। मशरिक पर मगरिब की बालादस्ती और मगरिब के हाथों के सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की, यानी कि अंग्रेज़ों के सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की। अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में राशिद कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा मुलाजमत के सिलसिले में उन्होंने ईरान में और फिर UNO में गुजारा। उनका पहला मजमूआ मावरा उर्दू शायरी में एक नए तर्ज एहसास और इजहार का तर्जुमान है। मावरा के बाद राशिद के जो शेरी मजमूए शाया हुए हैं, इनके नाम इस तरह हैं: ईरान में अजनबी और गुमा का मुमकिन। इनका कुरियात भी शाया हो चुका है। नसर में इनकी किताब जदीद फारसी शायरी मशहूर है। राशिद की शायरी का सबसे बड़ा इम्तियाज़ इनकी दानिशवाराना हैसियत है। इकबाल के बाद अपनी शायरी के वसीले से राशिद ने मशरिक की फ़िक्र और दानिशवराना रिवायत को एक नई जहत दी। मावरा की अशात के दौर में राशिद और मीरा जी की नज़मों को मुबहम और लायानी भी कहा गया, लेकिन जैसे शायरी का मजाक बदला जैसे जैसे मजाक बदलता गया शायरी का, राशिद और मीरा जी के शेरी मुहासिन और इनकी अदबी खिदमात का इतराफ़ भी आम होता गया। राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी के शायरों में नू मीम राशिद भी एक बहुत बड़े शायर थे। तो अब हम लोग जान गए कि नू मीम राशिद कौन थे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।